बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक साइटेशन एंड साइटेशन स्टाइल्स की तरह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइटेशंस को हम कैसे टेक्स्ट में लिखते होते हैं, या उन जो टेक्स्ट में मेंशन साइटेशंस हैं उनको कंप्लीट रेफरेंस के फॉर्म में किस तरह हमने लिखना है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइटेशन क्या होती है? साइटेशन इज़ अ वे ऑफ गिविंग क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स फॉर देयर क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल वर्क दैट यू यूटिलाइज टू सपोर्ट योर रिसर्च। बेसिकली किसी और साइंटिस्ट का कोई ऐसा वर्क जो आप अपने डिस्कशन में वाले पोर्शन में, या कोई आप मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर लिखते हो कि मैं ये मेथडोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। और अगर किसी साइंटिस्ट की वो मेथडोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसका, क्योंकि वो क्रिएटिव वर्क है, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था, तो आप उसको क्रेडिट दोगे, उसका मेंशन करोगे कि इस साइंटिस्ट का जो काम है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने वर्क के अंदर। या इसके अलावा जो कुछ सेंटेंसेस आप यूज़ करते हो अपने टेक्स्ट को, कंक्लूजन को और डिस्कशन को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे जो सेंटेंसेस यूज़ करते हो, अगर किसी साइंटिस्ट के सेंटेंस के का इम्पोर्टेंट आउटकम आप यूज़ कर रहे हो तो उसका नाम और उसका पब्लिश करने का ईयर मेंशन किया करना ज़रूरी होता है, ताकि आप उसको क्रेडिट दे सको। और ये चीज़ें करने से आपका जो ड्राफ्ट होगा उसके अंदर कह सकते हैं कि पर्टिकुलर पोर्शन को रिप्रेजेंट कर देगा, अगर ये पोर्शन आपसे आपका रिलेटेड नहीं है, किसी और के वर्क को आपने सपोर्टिव मटेरियल के तौर पे यूज़ किया है, और इसके साथ साथ आप प्लेजरिज्म जैसे इश्यूज से आपका जो आर्टिकल है या आपका जो रिसर्च रिपोर्ट है वो बच जाएगी। प्लेजरिज्म बेसिकली जो कॉपी राइट्स को डील करती है, अगर आप किसी का मटेरियल कॉपी करते हो तो वो एज अ कह सकते हैं एक क्राइम के तौर पर कंसिडर होता है, तो उस चीज़ से आप बच जाते हो। नेक्स्ट जो साइटेशन होती है, टिपिकली इसमें ऑथर का नाम होता है, डेट होती है, उसमें लोकेशन जिस कंपनी ने पब्लिश किया है, या उसका जर्नल जो है उसका टाइटल वगैरह लिख दिया जाता है, टाइटल ऑफ द आर्टिकल इसमें इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में अब देखते हैं कैसे हम इसको पूरा लिखेंगे। साइटेशन स्टाइल्स, जो किसी का आपने वर्क टेक्स्ट में साइट किया तो कम्प्लीटली उसे आप कैसे लिस्ट में लिखते हो, डिफरेंट स्टाइल्स अडॉप्ट किए जाते हैं वर्ड ओवर। बेसिकली आपने देख कह सकते हैं, जैसे इसमें डेफिनेशन, साइटेशन स्टाइल डिक्टेट्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर साइटेशन, हाउ द इंफॉर्मेशन इन इज ऑर्डर्ड एज वेल एज पंक्चुएशन एंड अदर फॉर्मेटिंग। तो साइटेशन स्टाइल के अंदर एक तो कि किस तरह कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है, उसमें जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, साइंटिस्ट का नेम है, उसके रिसर्च का टाइटल है, जो आर्टिकल्स आप यूज़ कर रहे हैं उसका टाइटल है, किस ईयर में उसने ये काम किया हुआ है वो है, और उसका पेज कौन से हैं, वॉल्यूम कौन से में वो पब्लिश हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज करना, ये साइटेशन स्टाइल कहलाता है। और साथ उसमें पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप कहाँ लगने हैं, कॉमा कहाँ लगने हैं, कोलन्स कहाँ लगने हैं, ये सारे के सारे साइटेशन स्टाइल में जाएंगे। तो जो स्टाइल्स यूज़ होते हैं साइटेशन के, उसमें पहला है APA, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन का, जो एक है जो मोस्ट कॉमनली एजुकेशन साइकोलॉजी और साइंसेज में यूज़ होता है, और ये अमेरिका में अडॉप्ट किया जाता है। MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन जो है, ये मोस्टली ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट है उसमें इसको एज इसके रेफरेंसेस वहाँ पे इस तरह लिखे जाते हैं। शिकागो स्टाइल जो है, जनरली बिजनेस, हिस्ट्री और फाइन आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं या साइंटिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं। वाइल हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल सिमिलर है APA से, APA क्योंकि USA में यूज़ होता है, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन का है, तो जो उसके मिलता जुलता जो स्टाइल है वो रेफरेंस UK और ऑस्ट्रेलिया में जो यूज़ होता है वो उसको हम हार्वर्ड रेफरेंसिंग कहते हैं। दोनों मिलते जुलते होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो APA और हार्वर्ड के जो रेफरेंसेस हैं, मोस्ट कॉमनली प्लांट साइंसेस के जो जर्नल्स हैं वो इसको अडॉप्ट करते हैं, विद स्लाइट डिफरेंसेस, थोड़ा बहुत वो मॉडिफिकेशन अपने जर्नल के हिसाब से कर लेते हैं। तो बेसिक जो उनका थीम होता है साइटेशन स्टाइल को लिखने का, वो या तो APA होता है या हार्वर्ड होता है, या दोनों का ही कंबाइन सा मिक्सचर होता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। वैनकूवर जो एक स्टाइल है, मोस्ट कॉमनली ये मेडिकल साइंसेज और साइंस के जो साइंटिफिक पेपर्स हैं उसके लिए वैनकूवर सिस्टम स्टाइल को यूज़ किया जाता है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, मैं दो आर्टिकल्स के साइटेशन स्टाइल आपको शो करवाऊँगा। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो 1, 2, 3, 4 ये नज़र आ रहे हैं, ये एक ही आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। MLA स्टाइल में उस आर्टिकल को इस तरह लिखा जाएगा,
एपीए स्टाइल में उसे इस तरह लिखा जाएगा, शिकागो में इस तरह लिखा जाएगा, और हार्वर्ड में इस तरह, वैनकूवर में इस वे से लिखा जाएगा। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा नाम है, कॉमास लगे हुए हैं, इस जगह पे इन्वर्टेड कॉमास हैं, इन्फॉर्मेशन ईयर की मौजूद है, इसमें ईयर यहाँ पे आया हुआ है, इसमें यहाँ पे मौजूद है, इस जगह पे फुल स्टॉप भी मौजूद है, कॉमा। तो डिफरेंट वेज से जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं और अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल के, ऑथर्स के नाम हैं, ईयर है, टाइटल है, और जर्नल का नाम दिया हुआ है, और ये डिफरेंट उसके वॉल्यूम और पेज नंबर दिए हुए हैं, इन सब की अरेंजमेंट को हम साइटेशन स्टाइल कहते हैं। इस तरह एक और आपको यहाँ पेपर नज़र आएगा, एक और डिफरेंट टाइप का पेपर है, इसमें एमएलए स्टाइल में ये उसको रेफरेंस लिखा हुआ, उसी विषय पेपर को एपीए में इस तरह लिखेंगे, और बाकी जो स्टाइल उनमें डिफरेंट वे से प्रेजेंट करेंगे। अभी कंपोनेंट्स जो होते हैं, कोई रेफरेंस जो होता है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मोस्ट कॉमनली जो प्लांट साइंसेस में यूज़ होता है उसमें सबसे पहले ऑथर्स का नाम आता है, उसके बाद ऑथर्स के नाम जब कंप्लीट हो जाते हैं, अगर एक है तो केले का नाम आएगा, एक से ज़्यादा है तो सबके नाम आएंगे, उसके बाद ईयर आता है, ईयर के बाद जो क्वेश्चन है उसका एंटायर टाइटल जो है, ऑथर का एंटायर टाइटल जो, सॉरी आर्टिकल का जो एंटायर टाइटल है वो लिखा जाता है, और टाइटल के बाद उसका जर्नल का नेम आ जाएगा कि किस जर्नल में पब्लिश करने वाली एजेंसी कौन सी है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने वो पब्लिश किया है, और कौन से वॉल्यूम या इशू में वो पब्लिश हुआ है, वो आफ्टर जर्नल के नेम के बाद उस वॉल्यूम या इशू को लिखेंगे, और लास्टली पेज नंबर होते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, इस अरेंजमेंट में आते हैं, ये अरेंजमेंट उसकी साइटेशन कहलाती है। मैं फिर रिपीट कर दूंगा, जैसे डेफिनेशन में था अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स जो थे उसके, वो किस चीज़ को कहाँ पे लिखना है, और उसमें जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, जैसे इसमें कॉमा, फुल स्टॉप लगे हुए हैं, कोलन्स लगे हुए हैं, डैश लगी हुई है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स और इनकी अरेंजमेंट मिलके साइटेशन स्टाइल को क्रिएट करते हैं। और साइटेशन स्टाइल जो स्टूडेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो सब कोई इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने अपने आर्टिकल पब्लिश करवाने हैं तो उसको फॉलो करेंगे। इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती हैं, एग्जैक्टली ये नहीं होता, कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन होती हैं अकॉर्डिंग टू द स्टाइल, और जर्नल टू जर्नल वेरी करती है, जो पब्लिशिंग एजेंसी है, नेम ऑफ जर्नल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इन जर्नल्स की, जिस जर्नल के लिए पेपर आप सबमिट करवाते हो तो उसके ऑथर गाइड में इसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कि आपने इसको कैसे लिखना है। उसमें थोड़ी स्लाइट डिफरेंसेस के साथ हर जर्नल एक दूसरे से वेरी करते हैं, सब जर्नल्स के सिमिलर नहीं होते, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस मौजूद होते हैं, कई दफ़ा सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स के डिफरेंसेस होते हैं, कई दफ़ा थोड़ी बहुत अरेंजमेंट के डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल जो चीज़ है, जो भी मैं इसके आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, हाउ टू राइट अ रेफरेंस, जो भी साइटेशन आपने की है उसको कंप्लीट रेफरेंस की फॉर्म में कैसे लिखना है, उसका क्या वे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइटेड आर्टिकल्स और उसके कंपोनेंट देखेंगे कि सपोज के हमने अपने जो एक रिपोर्ट है उसमें इस आर्टिकल को साइट किया है। अब आर्टिकल को लिखने वाले जो हैं, इसका टाइटल आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका टाइटल है माइक्रोबियल इनोकुलम से रिलेटेड है ये, इसको लिखने वाले ये ऑथर्स मौजूद हैं। अब ये अकेला ऑथर नहीं है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऑथर्स मौजूद हैं। अब 6 ऑथर्स का डिफरेंट नेम है, तो उनको डिफरेंट वे से कैसे इस तरह लिखना है, उसको किस तरह पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ पे यूज़ करने हैं, ये साइटेशन स्टाइल में आएगा। टाइटल है और इसमें इंफॉर्मेशन ऑथर्स की एफिलिएशन है कि वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, और ऑथर कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर जो इनमें से पूरे को प्रोसीड कर रहा है, रेगुलेट कर रहा था, ये पब्लिशिंग के प्रोसेस को डील कर रहा था, वो उसको कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर कहते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे ईमेल नज़र आ रही है, उसका रेफरेंस दिया हुआ है, स्टार लगा हुआ है, तो ये अदनान यूनुस के नाम से है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर इसमें मौजूद है। इसके बाद ये ऊपर टॉप पे इंफॉर्मेशन मौजूद है, यहाँ पे पब्लिशिंग एजेंसी लिखी है, पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज ने पब्लिश किया है, उसका वॉल्यूम 51 में ये पब्लिश हुआ है, और साथ ही ब्रैकेट में जो लिखा होता है ये इशू होता है, और उसका इशू नंबर 4 है, 7 पेजेस पेज नंबर दिए हुए हैं, पेज नंबर्स में ये 875 से लेके 888 पेजेस में है, इशू नंबर 4 ऑफ वॉल्यूम 51 में ये आपको मिलेगा आर्टिकल, और पब्लिश कौन से ईयर में हुआ, 2014 में पब्लिश हुआ, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगी। आर्टिकल का मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है यहाँ पे, उसमें ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप अपने जो एक साइटेशन है क्रिएट करोगे, कंप्लीट रेफरेंस क्रिएट करोगे। तो उसे सीखते हैं कैसे करेंगे आज। तो ये मैंने इसके ऊपर पिक्चर दे दी, हमारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
जो साइटेशन स्टाइल होता है उसमें सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऑथर्स के नेम से स्टार्ट किया जाता है। हमेशा जो भी रेफरेंस है वो ऑथर्स के नेम से स्टार्ट होता है, उसके बाद उसका ईयर आएगा। हम जिस को फॉलो कर रहे हैं एपीए या हार्वर्ड के स्टाइल को जब फॉलो करते हैं तो उसमें ऑथर्स का नेम फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, फिर उसके बाद जो उसका पब्लिशिंग डेट है, ईयर है, वो आएगा, उसके बाद उसका टाइटल आता है, टाइटल के बाद जर्नल का नेम, फिर वॉल्यूम एंड इशू, एंड लास्टली पेजेस आते हैं। तो ये इसका एक तरतीब है, इसकी स्कीम है जो आप फॉलो की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑथर का नाम हमें लिखना कैसे है, साइटेशन स्टाइल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। जैसे फर्स्ट ऑथर का नाम है मोहम्मद कासिम, हम इसे ऐसे मोहम्मद कासिम के तौर पर नहीं लिखेंगे, हमेशा वेटेज दी जाती है लास्ट नेम को। किसी भी साइंटिस्ट का जो लास्ट नेम होता है उसे बहुत ज़्यादा वेटेज मिलती है, तो मोहम्मद कासिम का जो है लास्ट नेम वो कंप्लीट लिखा जाएगा, अदनान यूनिस का यूनिस कंप्लीट लिखा जाएगा, ज़हीर अहमद ज़हीर का ज़हीर कंप्लीट लिखा जाएगा, लास्ट वाला जो ज़हीर ये वर्ड है, आतिफ रियाज का रियाज कंप्लीट लिखा जाएगा, बाकी एब्रिवेट हो जाएगा, आतिफ का एब्रिवेट हो जाएगा, हसन रज़ा का जो है वो रज़ा जो है वो एब्रिवेट नहीं होगा, वो कंप्लीट लिखा जाएगा, सिर्फ हसन एब्रिवेट होगा। इस तरह उस्मान तारिक का जो लास्ट नेम है तारिक, ये एज अ कंप्लीट नेम यूज़ होगा। तो हम फर्स्ट ऑथर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑथर का नाम कैसे लिखेंगे, रेफरेंस स्टाइल स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे, इसको उल्टा लिखा जाता है, कासिम सबसे पहले ये कंप्लीट आएगा, और जो उसका फर्स्ट नेम है वो बाद में लिखना है फर्स्ट ऑथर के लिए, उसे शॉर्ट फॉर्म कर देनी है, उसे एब्रिवेट कर देना है, मोहम्मद को एम लिख देना है, क्योंकि ये एब्रिवेशन है, तो जो एब्रिवेशन होता है उसके साथ फ़ौरन बाद फुल स्टॉप लगाना है आप, ठीक है। कासिम, कासिम के बाद कॉमा, ये पंक्चुएशन मार्क्स भी जहन में रखने हैं आपने। कासिम फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम यूज़ करना, अगर ये तीन लेटर्स में मौजूद है तो आप उसे का थर्ड लेटर यूज़ करोगे, उससे पहले वाले दोनों लेटर, जैसे ये ज़हीर अहमद ज़हीर है, अगर ये फर्स्ट ऑथर होता तो इसका ज़हीर से रह जाना था, बाकी जेड ज़हीर अहमद जो है ये दोनों एब्रीवेट हो जाने थे, जेड ए ज़हीर हो जाना था इसने, वाल मोहम्मद कासिम का एम कासिम हो जाएगा। लेकिन जब हम फर्स्ट ऑथर का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट ऑथर का जो लास्ट नेम है वो शुरू में लिखा जाता है और फर्स्ट नेम बाद में लिखा जाता है, तो कासिम कासिम मोहम्मद इसे लिखेंगे हम, ठीक है। कासिम कंप्लीट आएगा, कॉमा उसके बाद मोहम्मद, क्योंकि हमने अब्रिवेट कर दिया, उसके बाद फुल स्टॉप आ गया। अगर ये लास्ट नेम एक ही नेम है तो इसके बाद ईयर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नेम है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट बाकी ऑथर्स आएंगे। बाकी ऑथर्स में पहले अब अदनान यूनिस आ रहा है, तो उसका हम क्या करेंगे, उसको हम लिखते हुए अदनान का ए, अदनान जो है एब्रीवेट हो जाएगा, एक ही फॉर्म में आ जाएगा। यूनिस में भी लास्ट टाइम हमने कंप्लीट लिखना है तो वो इस तरह आ जाएगा। ज़हीर है, ज़हीर का जेड और ए ये दोनों कंप्लीट फॉर्म में आ जाएंगे, और इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि ये पहले दोनों नेम तो टू टू लेटर्स पे थे, ये वाला थ्री लेटर्स पे था, तो इसका लास्ट नेम आ गया। फर्स्ट टू जो है ज़हीर का जी से रह गया, अहमद का ए रह गया, दोनों क्योंकि अब्रिवेट हुए हैं तो फुल स्टॉप इनके बाद लगाने ज़रूरी हैं। अब नया ऑथर शुरू करना है तो जैसे यूनस के बाद कॉमा लगाया तो नेक्स्ट ऑथर स्टार्ट करने के बाद जहीर के बाद भी कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट ऑथर का नाम आ गया आतिफ रियाज, इसका सिर्फ लास्ट नेम पूरा लिखा जाएगा, फर्स्ट नेम अब्रिवेट हो जाएगा तो ए रियाज आ जाएगा। हसन रज़ा, इसमें भी हसन का एच जो है एब्रीवेट हो, हसन एब्रीवेट होकर एच की फॉर्म में आ गया, फुल स्टॉप लगेगा एब्रीवेशन के बाद, और रज़ा कंप्लीट लिखा जाएगा। अब क्योंकि इसके बाद लास्ट नेम आने वाला रज़ा के बाद, तो हम यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ अब एंड आएगा, एंड के बाद लास्ट नेम जो है उस्मान तारिक, उसका हम यू जो होगा एब्रीवेट कर देंगे, और तारिक जो है वो कंप्लीट लिखा जाएगा। कंप्लीट लिखने के बाद हमारे पास ये रेफरेंस का यहाँ तक जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो चुका है, हमने ऑथर्स का नेम कम्प्लीटली लिख लिया है यहाँ तक। तो इसके बाद हम आगे मूव करेंगे कि लास्ट ऑथर के नेम के बाद कॉमा लगेगा और उसके बाद ईयर आ जाता है, जो पब्लिशिंग डेट है जो यहाँ पे मेंशन थी वो आ जाएगी, उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद टाइटल आता है, कंप्लीट टाइटल जो है, जो भी इस आर्टिकल का कंप्लीट टाइटल है वो लिखा जाता है। टाइटल के बाद जो उसमें बोटेनिकल नेम्स है उनको इटैलिक करना है आपने, और एंड पे फुल स्टॉप पुट करना है, ये पंक्चुएशन मार्क इसका इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो होगा वो आपने जब
टाइटल लिखेंगे, टाइटल के बाद जर्नल का नेम आना है। इसे कुछ जर्नल्स में कम्प्लीटली लिखते हैं, जैसे पाकिस्तान जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, इसे पूरा कंप्लीट लिखेंगे। और कुछ जो हैं पब्लिशिंग एजेंसीज वो इसे एब्रीवेट करती हैं, जैसे पाक PAK जर्नल को जे, एग्री को एग्री डॉट लगाया, तो जहाँ जहाँ एब्रीवेशन आने वहाँ फुल स्टॉप लगने हैं। तो जर्नल का नेम कंप्लीट होने के बाद आप जो होगा कॉमा पुट करोगे, कॉमा पुट करके आप स्पेस दे के फिफ्थ उसका जो इशू है और वॉल्यूम है वो मेंशन करोगे, जैसे यहाँ वॉल्यूम 51 और साथ ही इशू मौजूद है ब्रैकेट में, तो वो मेंशन करके कॉलन पुट कर देना है। कॉलन पुट करने के बाद लास्टली जो उसके पेज नंबर हैं वो मेंशन किए जाते हैं। तो ये पूरी तरतीब उस रेफरेंस की, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑथर का नेम सबसे पहले आने हैं, फिर उसके बाद ईयर आना है, फिर टाइटल आना है, और जर्नल का नेम एब्रीवेटेड भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा जर्नल है। हम इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में ही फॉलो करेंगे, जो दिया हुआ गिवन फॉर्मेट, इसको ही जो आपके नोट्स में मौजूद है उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद जो जर्नल है जिसमें के वॉल्यूम में जो वॉल्यूम है उसका, जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है उसका कौन सा वॉल्यूम है, इसमें 51 है और फोर्थ उसका इशू है उस वॉल्यूम के अंदर, और उसके साथ एंड में उसके पेज नंबर होंगे, वो आर्टिकल उस वॉल्यूम के अंदर कौन सी जगह पे लोकेट करता है, किस पेज नंबर्स के दौरान के कौन से पेज नंबर्स पे वो मौजूद है। आप अगर उसे रीड करना चाहो, कोई और बंदा उसे कंफर्म करना चाहता है तो कंफर्म कर सकता है। एंड पे एक दफ़ा फिर रिपीट करवा दूंगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आर्टिकल की मौजूद होगी उसमें से फर्स्ट ऑथर का नेम जो है वो उल्टा लिखा जाता है, कासिम मोहम्मद के नाम से के लिखा जाएगा, कासिम पहले आएगा, और उसके फर्स्ट ऑथर के नेम के फ़ौरन बाद हमेशा कॉमा लगाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमा आपने नहीं भूला, ये पंक्चुएशन मार्क बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद मोहम्मद का एम, क्योंकि ये अब्रिवेट हो चुका है तो फुल स्टॉप इसके साथ ज़रूरी है, और आगे ऑथर्स कंटिन्यू होने और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं तो कॉमा लगेगा, अगर आखिरी ऑथर है तो फिर इस कॉमा के बाद जियर आ जाएगा, तो ये कंटिन्यू होते जाएंगे, और हर ऑथर का हम लास्ट नेम लेंगे, बाकी उससे पहले जितने नेम हैं वो अब्रिवेट हो जाएंगे। जब ऑथर का नेम कंप्लीट हो जाएंगे तो आखिरी ऑथर के बाद आपने कॉमा पुट करना है, जैसे तारिक के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, और ये अब्रिवेट नहीं हुआ हो तो इसलिए इसे फुल स्टॉप नहीं लगाना, अगर एक ही ऑथर होता तो फुल स्टॉप कॉमा दोनों लगने थे, क्योंकि आखिरी जो पोर्शन है वो उसका जो फर्स्ट नेम जो आया हुआ है वो एब्रीवेट हुआ हुआ है। तो इस केस में क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑथर ज़्यादा हैं तो एंड वाले ऑथर के बाद कॉमा लगा, फिर उसके बाद ईयर आएगा, और ईयर के बाद फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है, ये फुल स्टॉप लग गया। फुल स्टॉप के बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल आएगा, पूरा टाइटल लिख देना आपने, कंप्लीट टाइटल, टाइटल कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप आप पुट करोगे, और उसके बाद जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आर्टिकल का टाइटल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जर्नल का नेम आना है, जर्नल के नेम के बाद उसके जो वॉल्यूम और इशू आने हैं वो लिखने हैं, और एंड में पेज नंबर। जर्नल के नेम एब्रीवेट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये डिपेंड करता है आप जिस भी जर्नल को फॉलो कर रहे हो उस पर। तो यहाँ तक था आज का आपका ये डिस्कशन हमारी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।